हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का सेशन बिजनेस लॉ पे है जहां हम लोग बिजनेस लॉ के एमसीक्यूज पे डिस्कशन करेंगे और ये सारे एमसीक्यूज बहुत रिलेवेंट हैं हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एज वेल well एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तीनों टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हैं बट वहाँ हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन किया था और साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए थे बट आज के सेशन में सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स हैं हर एक एक्ट से क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है एंड आज हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पहले बता दिया है आज सिर्फ हम लोग एम डिस्कस करने वाले हैं इन एम सी क्यूज़ के अब बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना सो दैट एग्जाम में अगर सेम पैटर्न पे या सेम टॉपिक पे क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जहां हमारे पास पहला क्वेश्चन है अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट अब देखो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो जब बनता है तब तो वैलिड होता है पर बाद में वो अवॉइड हो जाता है जैसे मान लो ए और बी ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक दूसरे से शादी करेंगे और शादी की डेट तक बी पागल हो जाती है दैट इज बी मैड हो जा रही है या हम कह सकते हैं अनसाउंड माइंड की हो जा रही है तो उस केस में क्या ए बाउंड है बी से शादी करने के लिए नहीं ना ए शादी कर सकता है बी से ना बी शादी कर सकती है ए से तो सिंपली दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहते थे बट कुछ ऐसा हो गया कुछ ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता क्लियर तो वैलिड तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये वैलिड होता है इन द बिगनिंग बट बिकम्स वॉइड लेटर ऑन विच वन ऑफ़ द फॉलोइंग डज नॉट कोनोट गुड्स एज डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट हमने बताया भी है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग सारे मूवेबल आइटम्स लेते हैं मूवेबल गुड्स लेते हैं बट मनी नहीं लेते डेट नहीं लेते तो करेक्ट आंसर होगा डी बोथ ए एंड सी नेक्स्ट एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस एज अगेंस्ट द प्रपोजर ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्लास में वेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड बाय द एक्सेप्टर जैसे ही एक्सेप्टर ने लेटर पोस्ट किया उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मानते हैं कि प्रपोजर को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन मिल गई कंडीशन आर स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन परपज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन क्या होता है एसेंशियल होता है और अगर वारंटी क्वेश्चन में पूछा होता तो कोलेट्रल होता नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफर द मेयर कोटेशन ऑफ टर्म्स बाय ट्रेडर द कोटेशन ऑफ द लोएस्ट प्राइस इन आंसर टू इंक्वायरी एडवर्टीजमेंट फॉर सेल और ऑक्शन ऑफ गुड्स ये बेसिकली क्या है इन्विटेशन टू ऑफर बिट्स इन एन ऑक्शन सेल ऑक्शन सेल मतलब ऑक्शन मतलब सिंपली क्या होता है जहाँ पे नीलामी होती है बोली लगती है तो जब लोग बोली लगाते हैं बिड जो अलग अलग लोग बोली लगाते हैं पच्चीस लाख छब्बीस लाख सत्ताईस लाख ये क्या है यही तो ऑफर है तो करेक्ट आंसर होगा डी बिड्स इन एन ऑक्शन सेल कि अगर उनकी बिड एक्सेप्ट हुई तो वो ऑफ़र में कन्वर्ट हो जाएगी नेक्स्ट द जनरल रूल ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विथ बेसिकली क्या होता है कि रिस्क ओनरशिप के साथ पास हो जाता है नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगज अ करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले आता है ऑफर फिर आता है एक्सेप्टेंस फिर होती है कंसिडरेशन और लास्ट पे बनता है कॉन्ट्रैक्ट तो करेक्ट आंसर होगा बी नेक्स्ट द एक्सेप्शंस टू द रूल अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैनॉट सू आर कॉन्ट्रैक्ट में जो स्ट्रेंजर है हमने बताया था कि वो कभी भी सू uh, नहीं कर सकते बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें बेनिफिशरी इन द केस ऑफ ट्रस्ट भी था फैमिली सेटलमेंट भी था असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी था करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द बफ और इन सब टॉपिक पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है डिलीवरी ऑफ द कीज़ ऑफ अ गो डाउन वर गुड्स आर केप्ड ये बेसिकली क्या है सिम्बॉलिक डिलीवरी कि आपने की दे दी तो ये क्या है सिम्बॉलिक डिलीवरी नेक्स्ट इन इंडियन लॉ कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन डन डन एट एट द द द डिजायर ऑफ ऑफ इफ इट इज इंस्टेंस अ थर्ड पार्टी और विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर तो हम उसको कंसिडरेशन ही नहीं मानते नेक्स्ट इज अ प्रो नोट एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ अ माइनर गुड इन लॉ देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है क्वेश्चन में ये चीज पूछा है कि जो प्रो नोट होता है मतलब बेसिकली हम किसकी बात करें प्रोमिजरी नोट की अगर प्रोमिजरी नोट एग्जीक्यूट हो रहा है माइनर के फेवर में तो क्या एज पर लॉ उसको अच्छा माना जाता है हाँ अच्छा माना जाता है वैसे अगर देखा जाए कि जो वैलिड प्रो नोट है या वैलिड प्रोमिजरी नोट है वही एग्जीक्यूट कर सकते हैं वही ड्रॉ कर सकता है जो कि केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बट हमने ये यह यहाँ पे नहीं बोला है कि प्रोमिजरी नोट माइनर ड्रॉ करेगा हम तो कह रहे हैं क्या माइनर के फेवर में इसको ड्रॉ किया जा सकता है हाँ बिल्कुल किया जा सकता है जहाँ माइनर का बेनिफिट है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है तो करेक्ट आंसर होगा ए. दैट इज यस नेक्स्ट राइट ऑफ अ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज बाय द अनपेड सेलर जहां बायर क्या हो जाता है इंसॉल्वेंट अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस में अनपेड सेलर को ऐसा लगता है कि उसको पेमेंट नहीं मिलेगी और जब उसको ये डर होता है ना कि उसको उसका पेमेंट नहीं मिलेगा गुड्स के अगेंस्ट तब वो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई कर सकता है नेक्स्ट ए थ्रेटन टू कमिट सुसाइड इफ हिज वाइफ डिड नॉट एग्जीक्यूट द सेल डीट इन फेवर ऑफ इज ब्रदर द वाइफ एग्जीक्यूटेड द सेल डीड इस तरह की ट्रांजेक्शन को हम क्या कहते हैं कि ये कुर्जन की वजह से हुआ है और क्वर्जन मतलब जहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है जहाँ पे आपकी कंसेंट डरा के धमका के ली गई हो क्लियर तो इस केस में ना बाद में क्या होगा अभी तो उसने सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी बट बाद में जब वो कोर्ट केस करेगी तो कोर्ट उसको कहेगा वाइफ को कि अगर आप चाहो तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करो चाहो तो डिसकंटिन्यू करो दैट इज आपके हाथ में है करेक्ट आंसर होगा बी आप चाहे तो उसको वॉइड कर दो चाहे वैलिड कर दो करेक्ट आंसर होगा बी वॉइडेबल ड्यू टू कोअ नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वॉइड अग्रीमेंट आर ऑलवेज इलीगल नो इलीगल लीगल आर वॉइडेबल नो इलीगल लीगल कैन बी रेटिफाइड बाई दार्टीज नो इन हमेशा क्या होता है वॉयड होता है नेक्स्ट इन बिडिंग सेल इज Voidable at एट द ऑप्शन ऑफ सेलर Voidable एट द ऑप्शन ऑफ द बायर इलीगल देखो इसका करेक्ट आंसर होगा सी Voidable at एट द ऑप्शन ऑफ द बायर क्यों क्योंकि अगर हम लोग बात करें प्रिटेंडेड बिडिंग की ना इसका मतलब होता है कि सेलर ने प्रिटेंडेड बिडिंग यूज़ करके जो प्राइज़ है बिडिंग की उसको रेज कर दी मतलब गलत तरीके से प्राइस राइज किया अब उस केस में अगर बायर को पता चल जाता है कि ये आ, काम सेलर का है तो से, बायर पे ऑप्शन है बार के पास ऑप्शन है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे चाहे तो डिसकंटिन्यू कर दे नेक्स्ट बी हैविंग डिस्कवर्ड अ वीन ऑफ ओर ऑन द स्टेट ऑफ ए अडोप्ट मीन्स टू कंसील एंड डस कंसील द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओर फ्रॉम ए ओइंग टू ए इज इग्नोरेंस बी इज इनेबल्ड टू बाई द स्टेट एट अ लो प्राइस तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा अवयडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ ए अगर ए चाहे तो उसको कंटिन्यू करे चाहे तो डिसकंटिन्यू करे इसमें सिंपली क्या कह रहा है कि ए की लैंड थी और ए की लैंड पे बी ने डिस्कवर किया कि कहीं ना कहीं उसमें और है उसके बाद उसने ये बात छुपाई ए से ए ने भी ध्यान नहीं दिया और बी ने कहा कि और बी ने ए को ऑफर किया कि हम आपसे आपकी लैंड परचेज करेंगे आपकी स्टेट प्रॉपर्टी परचेस करेंगे बट लो प्राइस पे तो नो डाउट ये कॉन्ट्रैक्ट क्या अवॉइडेबल है अगर ए चाहे तो उसको कंटिन्यू करे चाहे तो डिसकंटिन्यू कर दे नेक्स्ट A paid 500 to government servant to get him a contract for the canteen. The government servant could not get the contract. Can A recover 500 paid by him to the government servant? No. Basically, ये इस तरह के जो contract होते हैं agreement होते हैं इसको वैसे भी valid नहीं माना जाता है ये void agreement होते हैं तो जो void agreement है जो possible ही नहीं है अगर उसके लिए आपने payment किया भी है तो आप उसकी recovery नहीं कर सकते Clear? तो correct answer होगा no, the agreement is void. Next. Under section 118 of the Negotiable Instruments Act 1881, it is presumed until the contrary is proved that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity. Which of the following statement is false in connection with the contingent contract? The event must be collateral, hona the event must be uncertain, the event should not be mere will of the promiser. That is correct answer hoga D, none of the above. हु इज लेबल फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ माइनर अगर माइनर को सप्लाई की गई है नेसेसरी तो फिर उसकी प्रॉपर्टी से भी पेमेंट किया जाएगा करेक्ट आंसर होगा सी हिज प्रॉपर्टी चेक इज अ चेक क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज अ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज एक कॉन्ट्रेक्ट कब खत्म होता है बाई परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट येस बाय ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर कॉन्ट्रेक्ट तोड़ दिया जाए बाई अग्रीमेंट एंड नोवेशन करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द बव कि इन हर एक सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है द मच्योरिटी ऑफ अ प्रोमिजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज इज द डेट एट विच इट फॉल्स ड्यू ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस नन ऑफ द बचोरिटी कह रहा है तो जिस दिन ड्यू होगा उसी दिन उसकी मचॉरिटी मानी जाती है नेक्स्ट वार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव अग्रीड सर्टन समी वुड बी पेड इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द कोर्ट विल इंश्योर दैट क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज है अगर वो अग्री हो जाती है कि कुछ पैसा उनको पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे तो द एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज पे टू द इंजर्ड पार्टी एंड अमाउंटिंग रीजनेबल कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट स्टिपुलेटेड इज अवॉर्डेड आपको क्या पे करना होता है रीजनेबल कंपनसेशन नेक्स्ट डैश डेज ग्रेस पीरियड इज अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ अ चेक थ्री डेज अ फॉरनर अ फॉर्नर क्या होता है इज़ कंपिटन टू एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट इफ़ यू फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ सेक्शन इलेवन इज नॉट कम्पिटेंट टू एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट कैन एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट विद परमिशन किसी की परमिशन नहीं चाहिए होती है फॉर्मर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है अगर उसने सेक्शन इलेवन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल की हो दैट इज़ वो साउंड माइंड का हो वो एटीन प्लस हो और वो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ ना हो नेक्स्ट अग्रीमेंट टू सेल सेल मतलब होता है जहां पे गुड सेल हो चुका है और पेमेंट हो चुकी है प्राइस की और अग्रीमेंट टू सेल मतलब जहाँ होना बाकी है फ्यूचर में होगा तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस ऑफर डज नॉट कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट क्यों क्योंकि कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती जैसे ए ने बी को एक ऑफ़र दिया कि आप हमसे मेरी लैंड परचेज कर लो फिफ्टी लैख का और बी को नहीं पता था कि ए ने उसको ऑफर किया तो बी ने भी उसको एक ऑफ़र किया कि हम आपसे आपकी लैंड परचेस करेंगे फिफ्टी लैख की तो यहाँ कोई एक्सेप्टेंस एर है नहीं इसीलिए क्रॉस ऑफर को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते नेक्स्ट वेदर एस्टिपलेशन इज अ कंडीशन और अ वारंटी ये किस पे डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के कंस्ट्रक्शन पे नेक्स्ट द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर वेन इट इज पोस्टेड बाय हिम वेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन वेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर नेक्स्ट अ कॉन्ट्रैक्टर हैड टू सप्लाई द आर्मी चापॉयज इन सर्टन क्वानिटीज बायस्टॉलमेंट्स ही फेल टू सप्लाईड नंबर इन इवन आफ्टर दैट द ब्रीच ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ चापॉइज वॉज रिसीव्ड बाई आर्मी अथॉरिटीज मीन वेद द वर्क ऑर्डर वर हाउ एवर कैंसल्ड द ऑर्डर्स कैंसलिंग द वर्क ऑर्डर वेयर वैलिड वॉइड विद विदाउट अथॉरिटी कॉन्ट्रेक्टर कुड क्लेम डैमेजिज वॉइड क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ने सप्लाई किया आर्मी चार पॉइज सर्टन क्वांटिटीज में इंस्टॉलमेंट में मतलब कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई करना है बट वो सप्लाई नहीं कर पाए रिक्वेजिट नंबर इवन आफ्टर दैट द ब्रीच एंड इवन आफ्टर दैट ब्रीज द इंस्टॉलमेंट ऑफ चार पॉइज वॉज रिसीव बाय आर्मी अथॉरिटीज इस ब्रीच के बाद भी कुछ इंस्टॉलमेंट उसने आर्मी अथॉरिटीज को भेजा है तो मीन वाइल इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया तो कैंसिल कर सकते हैं क्या नहीं जब आपने एक इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट ही कर ली तो फिर आप कैंसिल नहीं कर सकते तो करेक्ट आंसर होगा बी वॉइड नेक्स्ट इन अ बुक डिपो अ कैटलॉग ऑफ बुक लिस्टिंग एंड लिस्टिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक एंड स्पेसिफाइंग द प्लेस द पर्टिकुलर बुक इज़ अवेलेबल ये इन्विटेशन टू ऑफ़र है क्योंकि आपने आप बुक डिपो पे गए वहाँ पे बुक की एक कैटलॉग है और उसमें लिखा है कि वो पर्टिकुलर बुक किस दुकान पे मिलेगी किस शॉप पे मिलेगी तो ये क्या है इन्विटेशन टू ऑफ़र है कोई ज़रूरी नहीं कि आप उस शॉप पे जा करके बोलो कि हमको वो बुक चाहिए तो आपको मिल ही जाए अगर शॉपकीपर का मन होगा तो वो सेल करेगा नहीं तो वो नहीं भी करेगा तो ये क्या है इन्विटेशन टू ऑफ़र वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इसको हम कहते हैं गुड्स की डिलीवरी करना नेक्स्ट अ वैलिड कंसिडरेशन इंक्लूड्स एक्जीक्यूटिड और कंसिडरेशन पास कंसिडरेशन इन एडिकेट कंसिडरेशन हर तरह के कंसिडरेशन को इसमें इंक्लूड किया गया है नेक्स्ट द टर्म अनपेड सेलर इंक्लूड अनपेड सेलर का मतलब होता है एक ऐसा सेलर जिसको अभी तक पैसे ना मिलो और एस पर गिवेन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा सी सेलर्स एजेंट टू हूम द बिल ऑफ लैंडिंग इज इनडोर्स इन इंडिया अ पर्सन हु इज एस स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन अब यहाँ तक बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या करेंगे कि उनको लगेगा स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है और अगर आप कंसिडरेशन में स्ट्रेंजर हो भी ना तो भी आप पार्टी स्पेट केस कर सकते हो करेक्ट आंसर होगा कैन सो अ द कॉन्ट्रेक्ट इफ ही इज अ पार्टी नेक्स्ट एस सेल्स सर्टन गुड्स टू बी ऑफ बॉम्बे द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द रेलवेज फॉर ट्रांसमिशन टू बी इन द मीन टाइम बी सैज गुड्स टू अ थर्ड पार्टी टी फॉर कंसिडरेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ एस बी बिकम्स इंसॉल्वेंट इन दिस केस अगर एस के कंसेंट से यह काम हुआ होता तो उस केस में एस भले ही अनपेड सेलर है बट वो अपने राइट को अप्लाई नहीं कर सकता था मतलब राइट ऑफ स्टॉप ट्रांसिट खत्म हो जाता बट क्योंकि यहाँ पे एस के कंसेंट नहीं थी बी इंसॉल्वेंट हो गया उस केस में एस के पास राइट है ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का तो करेक्ट आंसर होगा ए नेक्स्ट एम इज माइनर

नेक्स्ट अ कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रेड विद एन एनिमी मतलब अगर आप एनिमी कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट uh, कर रहे हो कि हम आपसे गुड्स परचेज करेंगे सेल करेंगे तो ये कैसा अग्रीमेंट है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी डैश इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बायस टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन एट एन ऑप्शन सेल ऐसे अग्रीमेंट को हम कहते हैं नॉकआउट अग्रीमेंट नेक्स्ट ए वाइल फाइलिंग ऑफ द इंश्योरेंस एप्लीकेशन फॉर्म स्टेट्स हिज एज एज ट्वेंटी ट्रू

आर एंटर्ड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एल टू मैरी हर ऑन अ फिक्स डेट हाउ एवर बिफोर द मैरिज डेट आर वेंट मैड विथ रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच इज अ वैलिड रिस्पॉन्स ये कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था बाद में क्या हो गया वॉइड तो करेक्ट आंसर होगा देख लेते हैं एल के नॉट मैरी टिल आर डाइज द एग्जीक्यूटि ऑफ आर कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रेक्ट अगेंस्ट एल द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड वो कॉन्ट्रैक्ट तुरंत वॉइड हो जाएगा और दोनों ही पार्टीज लाइबल नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए नेक्स्ट The undertaking contained in a promissory note to pay a certain sum of money is unconditional. A makes a contract with B to buy his house for rupees 50000 if he is able to secure the bank loan for that amount. to aise contract ko hum kya kehte hain void for vagueness क्यों? kyunki keh raha hai कि दो uh, parties आपस में contract कर रहे हैं कि मैं आपसे घर तब खरीदेंगे जब हमें bank से loan मिल जाएगा। तो ये क्या contract है? Void ही है ना? Next, ordinary damages will be awarded in cases Where the लॉस नैचुरली फ्लोज फ्रॉम the ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर जो डैमेज नैचुरली अराइज होता है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी डैमेज नेक्स्ट विच ऑर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन कनेक्शन विद कासी कॉन्ट्रैक्ट कासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहती है बट वो लॉ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो करेक्ट आंसर होगा इट इज इंपोज बाय लॉ अचेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड Next, each party to a contract is bound to perform as part of the obligation. After the parties have made due performance, the contract comes to an end. In such a case, the contract is said to be discharged.

पहले भी बताया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पार्टनरशिप एक्ट एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे हमने अलग से भी क्लासेस अपलोड की हुई है चैप्टर वाइज और अब जो डिस्कशन कर रहे हैं ये पूरा कंप्लीट लॉ मिला करके है बिजनेस लॉ में जो बेसिकली पांच एक्ट पूछते हैं उन्हीं पांच एक्ट से यहाँ पे कवरेज की गई है आज के क्लास की पीडीएफ और आगे के क्लासेस की भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच